नमस्ते एंड वेलकम टू माय किचन वेयर एनीवन कैन कुक। आई एम आशु और आज के इस एपिसोड में मैं बना रही हूँ काजू पिस्ता बिस्किट, जो एगलेस होने के साथ साथ बहुत ही रिच, क्रिस्पी, क्रंची एंड डिलीशियस बनते हैं। इन्हें आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, और जैसे राखी आ रही है तो इन्हें आप बनाइए और अपने लव्ड वन को गिफ्ट करिए। मेरे घर में तो इन्हें बहुत ही पसंद किया जाता है, इनफैक्ट ये मेरे हस्बैंड की बहुत ही फेवरेट बिस्किट है। तो चलिए बनाते हैं काजू पिस्ता बिस्किट, लेट्स गेट स्टार्टेड। काजू पिस्ता बिस्किट बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए, एक बार क्विक पॉज करके उन्हें आप नोट कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपने ड्राई इंग्रेडिएंट को सिप कर लेते हैं। बॉल में छन्नी रखकर ये इसमें डालेंगे हम मैदा। इसके साथ ही हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। मैंने वनीला लिया है यहाँ पे, वनीला कस्टर्ड पाउडर, और इसी के साथ हम डालेंगे बेकिंग पाउडर और इसे अच्छे से सीप कर लेंगे। सीप करने से इसमें एयर भी इनकॉर्पोरेट हो जाती है और इसमें लम्स भी नहीं आते। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी काजू पाउडर, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। इसमें जाएगा हमारा इलायची पाउडर। तो इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसे अब हम कर देते हैं साइड। अब हम करेंगे शुगर एंड बटर को क्रीम। बॉल में हम डालेंगे बटर। बटर बिल्कुल देखिए रूम टेम्परेचर है और रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। इसके साथ इसमें जाएगी शुगर, इसे अच्छे से हमने मिक्स करना है, बहुत अच्छे से इसे बीट करना है, मिक्स करते रहना है जब तक ये लाइट एंड फ्लफी ना हो जाए। तो ये हमारा शुगर एंड बटर भी हो गया। अब इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस, 2 से 3 बूंदे केवड़ा एसेंस, इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और अभी जब ये बेक होंगी तो पूरे घर में बहुत ही अच्छा बेकिंग अरोमा हो जाएगा, परफेक्ट। अब इसमें हम मिक्स करते हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसे धीरे धीरे इसमें फोल्ड करते जाएंगे और इसके साथ हम थोड़ा सा जो हमारा ड्राई फ्रूट काजू और पिस्ता हमने चॉप करके रखा हुआ है उसे भी मिक्स करेंगे। फिर से एक बैच ड्राई इंग्रेडिएंट्स और काजू पिस्ता मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको ये बहुत ड्राई लगे तो आप इसमें मिल्क भी मिक्स करेंगे। तो अब इसमें हम दूध भी डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, और अब आपका ये क्रम तैयार है। इसको अब आपको हाथों से करना पड़ेगा। परफेक्ट, तो हमारा ये डो बिल्कुल तैयार है। 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसे ताकि इजीली हम इसे रोल कर सकें। सेम वे हम दूसरा लॉक भी तैयार करेंगे। तो ये रोल हमारे तैयार है, इन्हें हम फ्रिज में रख देते हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए फॉर्म होने के लिए, ताकि इसे हम इजीली कट कर सकें। अब अनरैप हो गया, अब इसे कट करेंगे। मेक श्योर कि आप नाइफ बिल्कुल शार्प लें। मेक श्योर जब आप कुकी काटना स्टार्ट कर रहे हैं तब आप अपना ओवन रीहीट करना रख दें। ओके, नाउ इट्स माय फेवरेट पार्ट। Right amount of sugar, goodness of butter and richness of dry fruit. Yum! I'm sure आप इसे ज़रूर बनाएंगे और प्लीज़ मुझे मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे टैग करके इसकी पिक्स ज़रूर भेजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।